सोमवार को भरोसा सेल को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से आढ़ावा बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की उपस्थिति में हुई इस बैठक में लगभग 70 से 75 शिकायतकर्ता मौजूद थे। भरोसा सेल को कार्यान्वित करने की दृष्टि से सोमवार को आढ़ावा बैठक ली गई थी, जिसके चलते जो पेंडिंग शिकायतें उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जाए इस दृष्टि में कुछ शिकायतकर्ता को बुलाया गया था, जिसके चलते लगभग 70 से 75 शिकायतकर्ता इस दौरान उपस्थित हुए। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई करना जरूरी है, जिसके चलते इस आढ़ावा बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें अनेक शिकायतकर्ताओं की समस्या का निवारण करने का प्रयास किया गया। भरोसा सेल को और ज्यादा कार्यान्वित करने की दृष्टि से एक आढ़ावा बैठक ली गई थी, और जो पेंडिंग तकरार है वो किस प्रकार का तकरार का क्या स्वरूप है, कैसे उसको और कार्यान्वित किया जाए, इसके लिए एक आढ़ावा के लिए आज हमने कुछ तकरारदारों को बुलाया था। अंदाजन कुछ 70 से 75 तकरारदार आए थे, उनकी सुनी गई है। उनके कुछ प्रकरण में गुनाह दाखिल करने का आदेश दिया गया है, कुछ केस में जल्दी से जल्दी डेट दे करके निर्णय लेने के लिए कहा गया है। महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू डोमेस्टिक हिंसाचार होता है वो रोकना बहुत ज़रूरी है, और उसके जो जहाँ पे ऐसा हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है, एक प्राथमिकता है, इसको इसलिए ये आज मुहिम ली गई है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि सभी समस्याओं को सुलझाकर शिकायतकर्ताओं के मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि इन मामलों में शराब से जुड़े मामलों का समावेश है, जिसके चलते जो नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।